नमस्कार, गुट्टे की पोटली यूट्यूब में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए हमको अपने प्रोजेक्ट में किनारा कैसे बनाना है, सुंदर सा किनारा जो हर साइड से एक जैसा है, इधर से भी और इस साइड से भी, इसका भी सेम चीज़ है, इधर से भी और इस साइड से बिल्कुल एक जैसा किनारा हमारा बनकर आया है। और इसको बनाना बहुत आसान है, बिगनर्स भी बहुत आसानी से बना सकते हैं। इस किनारे का प्रयोग, इस एज का प्रयोग आप बच्चे की स्वेटर बनाते समय, छोटे बच्चे की स्वेटर जो हम गले से या नीचे से स्टार्ट करके ऊपर लेके जाते हैं, जिसमें हम बटन लगाते हैं, उसमें आप इस किनारे का इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्लैंकेट बनाते समय, लेडीज स्कार्फ बनाते समय, या हम जो कार्डिगन की पट्टी होती है, बटन पट्टी, उसमें इस तरह के एजिस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इसी के साथ ही इस तरह के एजिस को बनाने के लिए हमें एक फंदा राइट साइड के लिए और एक फंदा रॉन्ग साइड के लिए, यानी एक फंदा शुरुआत के लिए और एक फंदा आखिर के लिए, यानी दो फंदे हमको ज्यादा रखने हैं। तो ये सीधी साइड से जिस तरीके से हमारा डिजाइन शुरू होगा, उसी तरीके से रॉन्ग साइड से हमारा डिजाइन शुरू होगा। सीधी साइड से जिस तरीके से हम आखिर के तीन फंदे बनाएंगे, रॉन्ग साइड से भी आखिर के तीन फंदे बिल्कुल वैसे ही बनेंगे, यानी डिजाइन हमारा केवल एक रो का ही है। इसी के साथ इसको शुरू करने के लिए हम अपनी एक बेस रो बनाएंगे। और बेस रो बनाने के लिए सबसे पहले हम एक सीधी सिलाई बना लेंगे। मेरे चैनल पर और भी बेबी स्वेटर, कैप, बेबी बूटीज, लेडी सॉक्स, पोंचू, डोरी, लटकन और भी निटिंग एडवाइस, निटिंग टिप्स देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, आप उसको ओपन करके भी देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने अपनी सिलाई पर 10 फंदे डाले हैं। तीन फंदे आखिर के लिए हैं एज के लिए, और तीन फंदे शुरुआत के एज के लिए। सेंटर के लिए, गैप के लिए मैंने यहाँ पर केवल 4 फंदे लिए हैं। और सीधी साइड से सीधा सीधा बनाते हुए सबसे पहले हम अपनी एक बेस रो बनाकर कंप्लीट करेंगे। रॉन्ग साइड से हमारा डिजाइन शुरू होता है। जिस तरह से हम अपनी ये रो स्टार्ट करेंगे, उसी तरीके से हम अपनी सीधी साइड से अपनी रो बनानी स्टार्ट करेंगे। पहले के दो फंदे बिना बुने उल्टे उतार लेंगे और यहां पर हम अपने धागे को थोड़ा सा खींचते हुए पीछे लेकर जाएंगे और एक फंदा हम सीधा बनाएंगे। ये तो है मेरे किनारे के फंदे 3। अब मेरे गैप के फंदे 4 है, उन्हें भी हम सीधा बनाएंगे। 1, 2, 3, 4 आखिर के तीन फंदे हम कैसे बनाएंगे? ये जो इस साइड से तीसरा फंदा है, धागा अपनी ओर करके इस फंदे को हम उल्टा और बिना बुने उतार लेंगे। धागा पीछे करके इन दो फंदों को हम सीधा बना लेंगे, 1 और 2। जिस तरह से हमने इस रोम को स्टार्ट किया है और एंड किया है, इसी तरह से हमें सारे डिजाइन को बनाना है। अब मैं आपके सामने एक बार और बना रही हूं। पहले दो फंदे उल्टे बिना बुने उतार लेंगे और धागे को खींचते हुए पीछे लेकर जाएंगे और इस फंदे को, एक फंदे को सीधा बनाने के साथ अपने गैप के हमारे जितने फंदे हैं उनको हम सीधा बना लेंगे। आखिर के तीन फंदे कैसे बनाएंगे? धागा अपनी ओर करेंगे, इस तरफ से आखिर का एक फंदा हम बिना बुने उल्टा उतार लेंगे, धागे को दूसरी तरफ करके दो फंदों को हम सीधा बना लेंगे, 1 और 2। बस इसी तरह से बनाते हुए हमें अपने डिजाइन को लगातार बनाना है। यहां पर मैं 2-3 सिलाई डालकर फिर आपको बनाकर दिखा रही हूं। ये देखिए मेरा डिजाइन यहां पर बनकर
नजर आना शुरू हो गया है। मैं एक बार डिजाइन आपके सामने और बना रही हूँ। दो फंदे बिना बुने उल्टे उतार लेंगे, धागे को खींच कर पीछे करते हुए। पहले हम इस फंदे को बुनेंगे, उसके बाद गैप के जितने फंदे हैं उनको हम बुन लेंगे। इसी के साथ आखिर के तीन फंदे, पहला फंदा बिना बुने उल्टा उतार लेंगे, धागे को खींच कर पीछे करते हुए आखिर के हम दो फंदों को भी सीधा बना लेंगे। और डिजाइन देखिए, दोनों साइड से नजर आना शुरू हो गया है। डिजाइन केवल इतना ही है। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करके जरूर बताएं। जल्दी ही मिलेंगे गुड्डी की पोटली में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए गुड्डी की पोटली। नमस्कार, धन्यवाद।